आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। सबको ही पता है सॉलिड क्या होता है और वो स्टेट। अगर हम स्टेट देखें, कई बार फेज वर्ड भी इसकी जगह यूज किया जाता है। फेज क्वेश्चन पूछा जाता है मैटर की कितने फेज, आंसर रहता है 3 सॉलिड लिक्विड गैस। अगर स्टेट पूछता है तब भी आंसर यही रहता है सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है वो समझेंगे। अगर मैं बात करूं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे या फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूं जैसे कि वाटर कितने फॉर्म में पाया जाता है तो वो होगा स्टेट। अगर मैं रिएक्शन करवाऊं, मान लिया बीकर में थोड़ा सा सॉल्यूशन लिया HCl वाटर कुछ भी ले, तो वो हो गया माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तब मैं वर्ड यूज करूंगा फेज। और फेज में डिस्कस करेंगे हम। अगर हमसे पूछे कितने टाइप की होती है स्टेट, तो 3 टाइप की होती है, सॉलिड लिक्विड और गैस। वैसे तो 5 टाइप की होती है, बोस आइंस्टाइन और प्लाज्मा भी इसमें ऐड कर जाती है, लेकिन हमारा फोकस इन पे रहेगा और मेनली सॉलिड पे। अगर हम देखें गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, अगर मैं इस पे प्रेशर डाल दूं, प्रेशर बढ़ा दूं या फिर टेम्परेचर कम कर दूं, डिक्रीज कर दूं, तब क्या होगा, ये पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, डिस्टेंस कम हो जाएगी इसमें, तब ये हो जाएगा लिक्विड। अगर इसमें मैं और टेम्परेचर कम कर दूं, यानी कि टेम्परेचर बहुत कम कर दिया, बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया, तब ये पार्टिकल बिल्कुल पास पास आ जाएंगे और वो सॉलिड अवस्था होगी। जैसे वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वेपर पार्टिकल दूर दूर होंगे, फिर पानी हो जाएगा वो लिक्विड हो जाएगा, उसके पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, और तब वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, तब वो सॉलिड हो जाएगा। अब देखो एक बात है, लिक्विड और गैस दोनों फ्लो करते हैं और इसलिए हम इन्हें फ्लूइड के नाम से जानते हैं। फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है लिक्विड और गैस के पास, इसीलिए वो फ्लो करते हैं, फ्लूइड्स कहा जाता है। लेकिन सॉलिड को फ्लूइड कहा जाता है या नहीं कहा जाता है, इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अब देखो सॉलिड होते क्या है, ये तो सबको ही पता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होती है, पार्टिकल के बीच में फोर्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है। और इसका ही दूसरा पॉइंट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है, यानी कि उन पार्टिकल के बीच में गैप दूरी कम होती है, कम से कम होती है या फिर नहीं होती, ये भी कहते हैं। तो वो हो गया सॉलिड, ये दो प्रॉपर्टी है। इसके बाद ये भी कहते हैं डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट साइज, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी होगी, रिजिडिटी होती है। इसके बाद डिस्कस करते हैं सॉलिड के टाइप। अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड और वो किसके बेस पे होंगे और उनका बेस होगा अरेंजमेंट के हिसाब से, अरेंजमेंट कैसी है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम आयन मॉलिक्यूल, उन्हें हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। उनके अरेंजमेंट के हिसाब से दो टाइप में डिवाइड किया गया। अगर हम देखें ए बी, मतलब ये पैटर्न लगातार रिपीट हो रहा है और एक ऐसा नहीं जिसमें रिपीट ना हो, जैसे ए बी बी फिर ए आ गया, फिर बी बी फिर बी फिर कहीं से ए आ गया, अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, लेकिन इसमें अरेंजमेंट फिक्स है, एक ए फिर बी फिर ए फिर बी, ये चलता रहता है। इसको हम नाम देते हैं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, और इसको हम नाम देते हैं अमोर्फस, अमोर्फस। ये सॉलिड दो टाइप डिवाइड कर दिए, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। अब देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या डिफरेंस है। पहली बात तो
रेगुलर शेप होगी और उसमें से इरेगुलर होगी, इरेगुलर होगी, और जो पैटर्न है लॉन्ग पैटर्न होगा, लॉन्ग अरेंजमेंट होगी, जैसे ए बी आ रहा है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और इसमें कैसा होगा, इसमें होगा शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसके बाद देखिए क्रिस्टलाइन को ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है, ट्रू सॉलिड, और इनको सुडो, सुडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए कहा गया क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की, तो ये वो सॉलिड है जो फ्लो करते हैं। जैसे हमारे पास एक ग्लास है, मान लिया वो विंडो में लगा हुआ है, काफी दिनों के बाद हम विंडो को देखें, कई सालों के बाद, तो ऊपर से पतला और नीचे से मोटा हो जाता है, ऊपर से थिन और नीचे से थिक। इसका मतलब क्या है कि वो फ्लो कर गया है, बह गया है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, और उसी को कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड यानी कि सुडो सॉलिड। और इसमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई, बहुत ज्यादा होते हैं, और उसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। इसके बाद हम देखें, इसके बाद ये होते हैं, इन्हें हम एनआइसोट्रोपिक, और ये आइसोट्रोपिक होते हैं, आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक एनआइसोट्रोपिक अब डिस्कस करेंगे होते क्या है। इनके अलावा इनका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है और उनका डेफिनेट नहीं होता है। अब डिस्कस करते हैं कि आइसोट्रोपिक एनआइसोट्रोपिक होते क्या है, आओ देखते हैं। आइसो, आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, और ट्रोपिक मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, ट्रोपिक मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये प्रॉपर्टीज डायरेक्शन में देखी जाएंगी, डायरेक्शन डिफरेंट है या फिर सेम डायरेक्शन है। मान लिया हमारे पास ये लिक्विड है और वह लिक्विड हम लेके चलते हैं क्रिस्टलाइन, अब हम देखें इस डायरेक्शन में या तो फिर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगी और इस डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगी, मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, उसे कहेंगे एनआइसोट्रोपी, और सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होगी इन ऑल डायरेक्शन तो वो आइसोट्रोपी का एग्जाम्पल होगा, उसे आइसोट्रोपी कहेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये प्रॉपर्टी देख सकते हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसमें सेम आएगी, इस डायरेक्शन में हम देखेंगे इसमें कुछ वैल्यू आएगी, मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करना है, इसमें कुछ वैल्यू है और वो इस वैल्यू से डिफरेंट आएगी, मतलब इस डायरेक्शन में अलग और इस डायरेक्शन में अलग डिफरेंट वैल्यू आएगी, वो होगा एनआइसोट्रोपिक, और जिसमें सेम आए वो आइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन में एनआइसोट्रोपिक डिफरेंट आती है और अमॉर्फस में सेम आती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किस टाइप के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम अरेंजमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स प्रेजेंट बिटवीन देम, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स प्रेजेंट होगी उसके बेस पे हम डिवाइड करेंगे, और ये चार टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है मॉलिक्यूलर, सेकंड नंबर पे होता है आयनिक, और थर्ड नंबर पे होता है मेटालिक, और फोर्थ नंबर पे आएगा वो होगा
कोवलेंट, ये सॉलिड के डिफरेंट टाइप है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोलिकुलर, मोलिकुलर फिर फर्दर तीन में डिवाइड हो गया। ये तीन टाइप है और उसका सबसे पहला टाइप है वो है नॉन पोलर, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। नॉन पोलर हम देखें, नॉन पोलर में देखने का तरीका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 3 है, लेस देन 0.5 है, तो वो नॉन पोलर होगा। जैसे हम देखें Cl2 देख लिया, Cl और Cl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल दोनों एटम एक ही है। ये भी Cl, ये भी Cl, इसकी वैल्यू भी 3 होती है, इसकी भी 3 होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 और इसकी भी 3, तो 0.5 से तो कम ही है, तो ये क्या होगा नॉन पोलर। नॉन पोलर में फोर्स कौन सा होता है, अगर हम बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो फोर्स होगा वो होगा वीक वन डर वाल इंटरेक्शन, वीक वन डर वाल इंटरेक्शन होगी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो, बहुत लो होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर में फ्रेज कर जाएंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं इसका दूसरा टाइप है मॉलिक्यूलर का पोलर। पोलर में अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की तो वो होगा 0.5 से लेकर के 2 तक, मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। फोर्स कौन सा प्रेजेंट होगा उसके बीच में, फोर्स होगा डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी। और उसमें हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो लो होगा लेकिन नॉन पोलर से ज्यादा होगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम एग्जांपल ले सकते हैं NH3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आप देख सकते हैं, इसमें N और ये H, इसकी होती N की होती है वैल्यू 3 और इसकी H की होती है 2.1। अगर माइनस करेंगे 3 में से 2.1 तो 0.9 वैल्यू आई है, इसका मतलब ही पोलर मॉलिक्यूल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे हम मॉलिक्यूल देख के ये बता सकते हैं कि पोलर है या नॉन पोलर है। इसके बाद इसका थर्ड टाइप होता है, तीसरा टाइप वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्ड हम देखेंगे एक साइड एच को और दूसरी साइड कोई भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट FON इनमें से कोई हो तो उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जैसे हम देख सकते हैं एग्जांपल के लिए ले सकते हैं HF या फिर ये H2O ले लो, H2 वाटर आइस कुछ भी ले सकते हैं, ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्डेड। और इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा और इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होगा। लेकिन ये जो दोनों टाइप है पोलर नॉन पोलर, इससे हाई होगा और इनके कंपैरिजन में लो होगा। हम कह सकते हैं पोलर नॉन पोलर दोनों से हाई है लेकिन इन तीन टाइप से लो है, तो हम इसे लो ही रखेंगे। और एक बात और, मॉलिक्यूलर सॉलिड में चाहे नॉन पोलर है, पोलर है या हाइड्रोजन बॉन्डेड है, सारे के सारे क्या होंगे, इंसुलेटर्स होंगे, इंसुलेटर, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है तो आयन में डिसोसिएट नहीं होगा ना ही इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 है तो 50% आयनिक और 50% कोवलेंट, 50% करेक्टर होंगे आयनिक और 50% ही कोवलेंट। ये देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई, हाई इतने ज्यादा होंगे। अगर हम बात करें, मान लिया मेरे पास NaCl है और मैं इसको वाटर में ऐड कर देता हूं, वाटर में ऐड करते ही आयन में टूटेगा Na+ और Cl- में,
तो ये Na प्लस और Cl माइनस में तब टूटेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी लेगा। अगर हम देखें H2O टूटेगा किसमें, H प्लस प्लस OH माइनस, ये इतनी ज्यादा एनर्जी छोड़ेगा, यानी कि इसका हाइड्रेशन होगा तो इतनी ज्यादा एनर्जी छोड़ेगा 1000 किलो जूल के आसपास, और मोस्ट ऑफ ये कंज्यूम कर लेता है। अगर हम बात करें, अगर कोई आयन हम ऐसा बना दें कि वो थोड़ी सी एनर्जी में टूट जाए, तो मान लिया पूरी बिल्डिंग पे हम पानी डाल दें और छोटा सा आयन डाल दें जिसकी जो टूटने में कम एनर्जी ले, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी जिसकी कम हो, तो ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो एनर्जी बहुत ज्यादा दे रहा है, 5 किलो जूल, 5 किलो जूल के आसपास ही एनर्जी सराउंडिंग ले पाता है, सारी सारी एनर्जी NaCl ले लेता है। तो ये क्या होंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होगा, उनके बीच में बॉन्ड जो तोड़ेंगे वो भी मुश्किल से टूटेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कहेंगे, और बॉन्ड का नाम होगा आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। अगर हम देखें, अगर ये सॉलिड स्टेट में, सॉलिड में इंसुलेटर होंगे, अगर मोल्टन स्टेट में होंगे, मोल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई अवस्था, पिघली हुई स्टेट में होगी। अगर हम इसमें वाटर वगैरह डाल दूं तो क्या होंगी, ये कंडक्टर हो जाएंगे, कंडक्टर। और उसकी वजह है कंडक्टर क्यों हुए, क्योंकि वो आयन में टूट जाएगा और आयन ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में सहायता करते हैं, आयन है इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, मोल्टन स्टेट में कंडक्टर हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में हम देखें, मेटालिक सॉलिड, ये मेटालिक बॉन्ड मेटल और मेटल के बीच में होता है, मेटल मेटल के बीच में, और इन सॉलिड में जो बॉन्ड होगा उसे नाम देंगे मेटालिक सॉलिड, और इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, हाई होगा। और मेटल है तो ये कंडक्टर होंगे, कंडक्टर कंडक्टर। मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, मान लिया मेरे पास Na सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, यानी कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी। तो ये क्या करेगा, तभी इसमें Na या प्लस और इलेक्ट्रॉन बाहर, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन बाहर, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाएंगे, तो इससे बहुत जबरदस्त कंडक्टर हो जाते हैं, गुड कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर इनको कहेंगे मेटालिक। अब हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बहना स्टार्ट कर देते हैं, इसे कहते हैं, ये जैसे समुद्र में पानी बहता है वैसे ही ये फ्लो करने लग जाते हैं, इसे इसलिए कहते हैं सी की तरह इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना, बहुत तेजी से फ्लो करने लगता है, क्योंकि नदी से बहने लगते हैं इनकी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अगर इसमें आपसे पूछे, एक मान लिया हमें ले लिया Na सोडियम और एक ले लिया आयरन फेरस, इसमें ये कहे इन दोनों में से कौन ज्यादा सॉलिड होगा, ये होता है सोडियम है पोटासियम, उसे हम चाकू से काट सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन रीजन समझे क्यों काट सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं, इसके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और वो आसानी से लूज कर देगा। देखो ऐसे मान लिया ये Na है, ये प्लस इलेक्ट्रॉन को बीच में छोड़ देगा, ये इलेक्ट्रॉन और साइड में Na प्लस, ये फिर Na प्लस, ये फिर यहाँ Na प्लस, और साइड में इलेक्ट्रॉन छोड़ता रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही है तो ये आसानी से कट जाएगा, चाकू से काट सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फेरस की, फेरस को इतनी आसानी से नहीं काट सकते जितनी आसानी से हम सोडियम को काट सकते हैं, और उसकी वजह ये है, ये ग्रुप नंबर 8 से बिलोंग करता है, यानी कि इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसकी भी एक, तो ये मुश्किल से काटा जाएगा, ये आसानी से काटा जाएगा, ये है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में हम मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ये डक्टाइल होते हैं, डक्टिलिटी होते हैं, और मैलियबल होते हैं, मैलियबल मतलब जिसको हम सीड में कन्वर्ट कर सकें,
वैल्यू पर। और डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम उसे पीट के वायर में कन्वर्ट कर सके, तार बनाए जा सके इसके। और लास्ट वाला अपना है कोवलेंट मोल्ड, कोवलेंट सॉलिड। और कोवलेंट सॉलिड में किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वो कोवलेंट बॉन्ड होगा, कोवलेंट, कोवलेंट सॉलिड। पहली बात, जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब इसके बाद देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। अगर हम इसको अच्छे से समझते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया ग्रेफाइट और डायमंड, इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। ग्रेफाइट में क्या होता है, सारे के सारे कार्बन, कार्बन का आइसोटोप है ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन कार्बन मिल गए, कार्बन की चेन हो, और इसमें यहां पे भी कार्बन की चेन हो, ये लॉन्ग चेन बना लेंगे कार्बन की, और इसके नीचे भी एक चेन होगी, ये चेन होती कार्बन की, ये ग्रेफाइट की चेन बनेगी। अगर हम इसमें देखें, ये अलग लेयर है, ये नीचे की लेयर, ये वाला। अगर हम देखें इसमें एक कार्बन के पास तीन बॉन्ड बने हुए हैं और इसके बनने चाहिए थे चार, क्यों, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार होते हैं तो चार बॉन्ड बनने चाहिए थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री रहता है। इसमें भी ऐसे देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे। ये नीचे वाली लेयर है, ये ऊपर वाली, माने इनके बीच में इंटरेक्शन है, इनके बीच में है, ये इंटरेक्शन बनते रहेंगे नीचे की लेयर, और नीचे एक लेयर और ऐसे ही हम बना सकते हैं। अब देखो, अगर हम एक चेन को यहां से पकड़े और यहां नीचे से पकड़े तब कोई खास इफेक्ट नहीं होगा। अगर गलती से हम इस चेन को यहां से और यहां से, ये चेन ऐसी है, ये चेन उसके नीचे, ये चेन उसके नीचे, ये चेन बनी हुई है, अगर हम एक चेन को इधर से उधर से आगे से पीछे से पकड़े तो झटका लग सकता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, कंडक्टर, इसीलिए ग्लेड ग्रेफाइट होता है कंडक्टर। लेकिन जो डायमंड है, डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, वो चार बॉन्ड बना लेता है, कंप्लीट बॉन्ड होते हैं, ऐसे ये चला गया, जैसे ये भी क्या करेगा, ये भी चार बॉन्ड बना लेगा, ये है, ये भी चार बॉन्ड ऐसे चलते रहेंगे, इसमें चार चार बॉन्ड बनते रहेंगे। अब देखो, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम पहली बात तो ये कह देंगे कि ये इंसुलेटर हो गया, क्योंकि करंट फ्लो नहीं करेगा। और अब इसमें बॉन्ड की मूवमेंट नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि सारे बॉन्ड बने हुए हैं, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, थोड़ी बहुत मूवमेंट हो सकती है, इसलिए एज ए लुब्रिकेंट यूज करा जाता है ग्रेफाइट, और डायमंड ज्वेलरी वगैरह में यूज करा जाता है, क्योंकि बहुत ही हार्ड होता है और बहुत ही चमकदार होता है, इसलिए बहुत महंगा भी होता है चमकदार होने की वजह से, और सॉलिड होता है, आसानी से टूटता नहीं।